तो दोस्तों देख सकते हैं ये 12 वाट का DOB है, और दोस्तों इसमें जो SMD है ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। तो दोस्तों इसको मैं ऐसे फेंक नहीं सकता, इसको मैं रिपेयर करूंगा, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो जान ले। इसका जो कनेक्टर है वो ख़राब हो चुका है, जल चुका है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है SMD पूरा फ्यूज हो गया है, तो भी इसका आधा SMD बचा हुआ है। तो ये जितना दिन तक जलेगा उतना दिन तक जलाऊँगा। और दोस्तों ये जो SMD है ये थोड़ा बढ़िया क्वालिटी में है, जिसके कारण इसका रोशनी थोड़ा ज़्यादा देगा। तो दोस्तों इसको मैं फेंकने वाला नहीं हूँ, इसको मैं रिपेयर करूँगा। और चलिए इसको मैं आपको भी बता दूँ, अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो कैसे रिपेयर करें। तो इसका IC का पता नहीं है सही है कि ख़राब है, इसका ब्रिज रेक्टिफायर का पता नहीं है सही है कि ख़राब है, तो मैं इसको सर्किट से जलाऊँगा। तो दोस्तों ये देखिए छोटा वाला सर्किट है, इससे मैं इसको कनेक्ट करूंगा और इससे जला सकते हैं ज़्यादा दिन तक, जितना दिन तक जलेगा उतना दिन तक। क्योंकि इसका जो SMD है, मैं जैसे आपको बताया कि SMD इसका बढ़िया है, जल्दी फ्यूज़ नहीं होगा, और मैं सर्किट लगा दूंगा तो और जल्दी फ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका कनेक्ट, पहले इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर कनेक्शन करना। तो ये देखिए ये जो SMD PCB चेक करने वाला ये जो मैं बनाया हूँ, इसको मैं इससे टेस्ट करूँगा। इसके अंदर भी दोस्तों ये छोटा वाला ही सर्किट लगा हुआ है। तो चलिए मैं पहले इसको कहाँ कहाँ कनेक्शन होता है उसके बारे में चेक कर लेता हूँ। तो चलिए इसको पहले टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ब्रिज रेक्टिफायर के पास में देऊंगा कि ये यहाँ से कनेक्ट है, देखिए तो ये नहीं चल रहा है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। तो एक में ब्रिज रेक्टिफायर के बाद दूंगा पास में, और एक यहाँ पर जो SMD फ्यूज है वहाँ पर लगाऊंगा कि ये जलेगा तो वहाँ पर ही कनेक्शन होगा। तो ये दोस्तों देख सकते हैं नहीं जल रहा है, तो उल्टा करके देंगे। तो ये देखिए ये जो हाफ जल रहा है, देख सकते हैं ये हाफ जल रहा है, लेकिन इसका रोशनी पूरा बढ़िया है, और आधा तो इधर का फ्यूज हो गया है। लेकिन दोस्तों ये देखिए यहाँ यहाँ हम लोग का कनेक्ट करना है, तो मैं ये जो मेरा को यहाँ पर और एक यहाँ पर कनेक्ट करना है। ये देखिए मेरा पास रेड और ब्लैक प्रो है, तो रेड को यहाँ करना है और ब्लैक को यहाँ करना है। चलिए मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखें मैंने कनेक्ट कर लिया हूँ। एक ब्रिज रेक्टिफायर का यहाँ पर देने के क्या है कि ये थोड़ा प्रोटेक्ट रहेगा, इसके ऊपर से इसका अंदर से होके जाएगा तो वो सही रहेगा। तो चलिए मैं अब इसको टेस्ट करता हूँ। और दोस्तों देख सकते हैं ये DOB ग्लो कर रहा है, हाफ ग्लो कर रहा है, लेकिन रोशनी ठीक है, ठीक ठाक रोशनी है, मैंने कुछ दिन चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी सर्किट, अगर DOB अगर आपका ख़राब हो जाए, IC ख़राब हो जाए, ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो जाए, तो आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो जाए तो आप इसका जगह दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों IC ख़राब हो जाए और ये जो कनेक्टर फैक्टर जो भी है ये अगर जल जाए तो आप इसको सर्किट से जला सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जैसे मैं आपको बताया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हरी टेक्निकल।